गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी से जुड़ता हूँ। चलिए दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है किस टॉपिक पे, तो मेरा जो वीडियो अभी पुनर्विचार याचिका, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका होती है, किस आर्टिकल के तहत आती है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते। अच्छा देखो, अभी के वो चर्चा में है, चर्चा में इसलिए अभी सबरीमाला केस के संविधान पीठ की जो 7 सदस्यीय संविधान पीठ थी, उन्होंने जजमेंट दिया। उसी के पास आपके पास अयोध्या वर्डिक्ट, अभी अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट, तो उसके बारे में अभी कुछ चर्चा हो रही है कि पुनर्विचार दायर होगी या नहीं होगी, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो तैयार हो रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो आपकी पुनर्विचार याचिका ये अब सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। उसके बाद जो 137 आर्टिकल है, 137 आर्टिकल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्देश और आदेश देता है, जो न्यायालय जो अपना होता है सुप्रीम कोर्ट, वो जो अपने आदेश यानी कि जो कोई जजमेंट देता है या तो कोई न्याय देता है, ठीक है, उस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। हर मनुष्य कर सकता है, कौन मनुष्य कर सकता है, जो इसकी बात करते हैं। तो जो दोस्तों बात है ये पुनर्विचार याचिका की दायर, ये सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां, इसकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई अमेरिका यानी यूएसए में, ठीक है। यूएसए में 1803 ईस्वी में क्या हुआ, एक मार्बरी और मैडिसन मार्बरी और मैडिसन नाम के दो व्यक्तियों ने आपस में केस था, ठीक है। तो इसके बारे में यहां से पुनर्विचार याचिका दायर होती है। तो उसके बाद उस पुनर्विचार याचिका में जो सुनवाई करा, तो वहां के जो यूएसए का चीफ जस्टिस थे कौन थे, जॉन मार्शल थे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। जो पुनर्विचार याचिका होती है उसकी फिर से समीक्षा की जाए, यानी फिर से इसके बारे में जरा सा जो भी जजमेंट दिया जज साहब ने उसके बारे में फिर से किया जाए। इसके बाद कहते हैं किसी भी मुद्दे को जो जजमेंट देते हैं वो न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है। जैसे कोई जजमेंट दे दिया, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट पे अभी जजमेंट दिया, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं पुनर्विचार जांच करेंगे, फिर से इसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जुडिशियल रिव्यू करते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनर्विचार करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी आपको 137 आर्टिकल है। उसके बाद सबरीमाला के केस में देखो, सबरीमाला केस में क्या हुआ, जो आपका सबरीमाला केस है वहां पे पुनर्विचार याचिका दायर की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। जो आपका राफेल केस था उसमें पुनर्विचार याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि मंजूरी जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि पुनर्विचार याचिका आप दायर करें तो उसके लिए मंजूरी दे, ठीक है। तो उसके लिए एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आ रही है तो मंजूरी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, ठीक है। उसके परंतु इसके लिए बाध्य नहीं है, वो पुनर्विचार के लिए मंजूरी नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें नए मामले नहीं शामिल होंगे। अच्छा, नए मामले की बात कौन कौन से शामिल होंगे, देखो जो नए मामले, जैसे कि हाई कोर्ट ने किसी जजमेंट दिया तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली नहीं पुनर्विचार याचिका, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होगा तब तक उसमें जज नहीं, जब तक जज जजमेंट नहीं देगा कैसे उसमें पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते, ठीक है। यानी कोई नए मामले दायर नहीं हो सकते। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2013 एक सुप्रीम कोर्ट आदेश आया था, उसमें तीन कैटेगरी में बताया कि इस आधार पे आप पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते, जिनमें से कौन कौन से है तो जरा सा ध्यान देते हैं। कुछ नए सबूत, जैसे कि कोई जजमेंट आया, प्रेजेंट टाइम में जजमेंट दे दिया, उसके बाद कुछ समय बाद उसके नए फैक्ट मिल रहे हैं तो उस आधार पे मंजूरी दे सकती है। उसके बाद कोई ऐसा होता है, जैसे पिछले साल कोई केस हो गया, उसी सेम है ऐसा ही केस भी आगे हो रहा है फ्यूचर में, ठीक है, तो उन दोनों पिछले जो जजमेंट दिया था उसी को करके कम समय लेने के लिए उसी जजमेंट को फिर से दे देते हैं केस पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पुराना रिकॉर्ड था उसी रिकॉर्ड को देके नया जजमेंट देते थे नए केस में। तो इस पे अगर कोई पिछले वाले में जो त्रुटि हुई तो उसको सुधार के लिए भी आगे के लिए मंजूरी कर सकती है, यानी कि जो पिछला जजमेंट जैसा हुआ था सेम प्रोसेस उसी तरह दे रहे हैं, तो जो त्रुटि हुई है उसको सुधार कर सकते, इस पे भी आप मंजूरी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई अगर कोई जो प्रावधान है, कोई आवश्यक कारण मिल गया, जो जजमेंट दिया उसमें कोई त्रुटि मिल गई, गंभीर त्रुटि है, तो उस पर भी मंजूरी दे दें। ये तीन हो गए इनके, ठीक है, इस आधार पे आप मंजूरी कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, जो याचिका दायर करने की सबसे बड़ी बात, जो याचिका दायर की जाती है कितने दिनों के अंदर की जाती है, जैसे अभी अयोध्या मामले आया 9 अगस्त को आया, ठीक, 9 नवंबर को, ठीक है, इसका जजमेंट दिया, तो अभी जो याचिका दायर कर सकते हैं तो 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर आप याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली बात तो ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि 30 दिन के, अधिकतम टाइम 30 दिन, परंतु यदि आप किसी रीजन वश याचिका दायर 10-5 दिन लेट करते हैं, उसके लिए आप पुख्ता सबूत दीजिए इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बाध्य नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगी, आप उसका पुख्ता सबूत दीजिए।
अगर उसको लग रहा है कि आपका जो फैक्ट है वो सही है तो वो फिर से पुनर्याचिका दायर कर सकती है, ठीक है, वो मंजूरी दे सकती है। तो ये हुई पुनर्याचिका, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये आपका किस आर्टिकल से आता है, 137 से आता है। पुनर्विचार याचिका किस तरह की जाती है, तो कोई जजमेंट दिया गया उसके बाद किया जाता है। तो ये हुई आपकी पुनर्विचार याचिका। चलिए दोस्तों, आपको इतना आज फिर से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।